छतरपुर पुलिस ने 4 दिन से लापता शिवम मिश्रा का शव धसान नदी से बरामद कर लिया है। इस मामले में एसपी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि युवक की हत्या कर उसका शव नदी में फेंका गया था। छतरपुर में पिछले 4 दिनों से लापता युवक शिवम मिश्रा का शव पुलिस ने धसान नदी से बरामद कर लिया है। एसपी अगम जैन ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के परिजनों ने पुलिस को उसके लापता होने की शिकायत की थी, साथ ही कुछ लोगों पर हत्या का संदेह भी जताया था। परिजनों की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक संदेही राहुल विश्वकर्मा को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार कर लिया। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। आरोपियों ने हत्या करने के बाद शव को धसान नदी में फेंक दिया था, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने 4 दिन की तलाश के बाद शव को बरामद किया। पुलिस मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें गुमशुदगी कायम थी और उसके आधार पर सिविल लाइन की पूरी टीम तस्दीक कर रही थी और उसमें ये समझ में आया कि 4 आरोपी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और उसमें जो गुम इंसान जिस व्यक्ति पर कायम था उसको मारा है। तो उसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 103 जो कि मर्डर से संबंधित है वो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके आधार पर अभी अग्रिम विवेचना जारी है और विवेचना में कई तथ्य सामने आना बाकी है जिसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है। नौगांव सब डिवीजन में धसान नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्चिंग भी जारी है और उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।